क्योंकि हम जो है अपना जिससे जो कैंप से आ रहे हैं ना, वहाँ पे लोगों की कंप्लेन ये है कि हमारे पास लिस्टें कम्प्लीट नहीं है, और जो है कि नाम जो अपना हमारे जो वोटर हैं बहुत परेशान हो रहे हैं। हाँ, कुछ अच्छा कुछ नहीं तो किसका चांस है इंशाल्लाह अगर हाँ भी जाएगा वहाँ पे भी घुमाओ नहीं जाएगा आपने वोट डाला कोई परेशानी तो नहीं है? मैंने इंतजाम सही है, मुतमईन है। आने वाली हुकूमत से क्या ये लिखा हुआ PS 87 230 गाइस मजीद कॉलोनी के एकदम आए हुए हैं, और 87 के अंदर हमें यहाँ पे काफ़ी सरगर्मियाँ पाई जा रही हैं इलेक्शन के हवाले से। यहाँ पर उम्मीदवार यहाँ पे हैं और बड़े पुरअमन तरीके से कंट्रोल किया हुआ है और अच्छे यहाँ पर गहमी है पब्लिक में, जो जज्बा है पब्लिक में, लोगों में जज्बा है और वोट डालने के लिए देखते हैं शाम 5 बजे तक क्या हालात रहते हैं। हमारे साथ अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह काफ़ी जो है हमें कि अपना पुरअमन तरीके से यहाँ पे मस्जिद कॉलोनी के अंदर हमने विज़िट किया, पुरअमन तरीके से वोट चल रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसी जो है शिकायत तो नहीं है कि वोट आप वोट जो वोटर लिस्ट हैं वो आपके पास अनकम्प्लीट हों? नहीं, ऐसी कुछ नहीं, क्योंकि अभी हम जो है लांडी कोरंगी मरील इन जगह हमने जो है विज़िट किया तो ज़्यादातर कंप्लेंट्स ये हैं कि भाई जो वोटर्स हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में है ही नहीं। नहीं, ऐसी यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, ऐसी बात। और इधर हमारे पास जो है एक कंप्लेन ये भी है कि अगर एक घर के फैमिली मेंबर 8 या 7 हैं, उन 8ों को जो बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। हाँ, ये कि जो है नाम है कि एक बंदा अगर लांडी के अंदर है तो दूसरे का जो है कोरंगी के अंदर वोट डाला हुआ है। ऐसा हुआ है। तो ऐसा हमारे जो इस इंतजाम ने क्यों किया, क्या क्या ये उनकी नायली है ये बात तोज्जो नहीं दी, सही स्ट्रेस से तोज्जो नहीं दी उन्होंने, या जो सर्वे जिस तरह उन्होंने वोटर लिस्ट बनाई थी उसका सही क्योंकि मतलब शायद तो अभी नहीं उन्होंने रिसेंटली नहीं कराई है ना, तो वो किस हिसाब से कराई है? वो तो कराची के लिहाज से तो वही गलत है, वो हमारे सेंट्रल साहब कौमी असम्बली के कैंडिडेट हैं। अच्छा, हाँ जी सर। यहाँ बिल्कुल हिना अहल बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन है, एक का वोट एक स्कूल में, दूसरे का वोट दूसरे स्कूल में। मेरे हल्के इब्राहिम हैदरी रेडी लखबस्ती में उन्होंने क्या किया कि वहाँ के वोट यहाँ भेज दिए हैं मजीद कॉलोनी के वोट कहीं और भेज दिए,
लोगों को एक तो लेट लगा, उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ है, और दूसरा ये ऑटो डिनर आप बता जाए किसको बोलते हैं, नया लिए या तो नया लिए या फिर सरदारी साहब ने पैसे दिए हमको। अच्छा, कल शाम तक ये था कि नेट सर्विस और जो क्या नाम है इंटरनेट सर्विस वगैरह बिल्कुल बंद ही होगी, जैसे चल रही स्मूथ चलती रहेगी, आज सुबह अचानक जो है तमाम चीज़ें बंद कर दी गई, ये गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। आवाम तो काफ़ी इससे परेशानी हुई है, खासकर वोटर में हमें वोटर्स निशान है ना, बड़े परेशान हैं, कभी इससे पोलिंग बूथ पर जाते हैं, कभी दूसरे पोलिंग बूथ पर जाते हैं। हमारे इब्राहिम एग्रीट चले जाओ, वहाँ पे वो लोग कोशिश कर रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले किसी तरह धांधली करें और हम जीत जाए, लेकिन वहाँ हमने इनको रोका हुआ है, काफ़ी टफ टाइम दिया हुआ है। लेकिन हमें मायूसी हुई है इलेक्शन कमीशन से कि वो भी, हमने सोचा था कि वो भी अच्छी तरह काम करेगा, लेकिन वो भी इन लोगों से पैसा वाला से मिला हुआ है, और वहाँ पे जो जो उनकी मर्जी हुई है, पीपल्स पार्टी की मर्जी हुई है, वो ट्रांसफ़र हुए हैं। ये प्रॉब्लम बहुत है हमारे, खासकर मुजफ्फरपुर में पीपल्स पार्टी वाले एक घर के बंदे कोई उधर डाल दिया, एक बंदे को उधर डाल दिया, तो वो बंदे बेचारे परेशान हैं। बारह अल्लाह करेगा, लेकिन हमारे इंशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू सर, प्लीज़।